तो दोस्तों मैंने आज बनाया है ये सिंगदाने का बहुत ही फटाफट नमकीन स्नैक। जब हम बहुत ही आसानी से घर में ये बना सकते हैं तो फिर बाहर से पैकेट लाने की क्या जरूरत है। ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ही फटाफट बन जाता है और बहुत ही अच्छा टाइम पास होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं ये मूँगफली नमकीन। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मूंगफली और ये जो मूंगफली है वो कच्ची है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे जो कच्ची मूंगफली है उसका जो आकार आप देख रहे हो, उसकी जो साइज़ देख रहे हो, थोड़ी बड़ी है। तो छोटे साइज़ की भी आती है लेकिन मैंने यहाँ पे बड़ी साइज़ की मूंगफली ली है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है और जो कि लोखंड की है, और इसमें जो मूंगफली है कच्ची मूंगफली वो हम डाल देंगे। और आँच को मैंने यहाँ पे धीमा ही रखा है और हमें यहाँ पे धीमी आंच पे ही ये जो कच्ची मूंगफली है उसे अच्छे से भूनना है। हम यहाँ पे आंच को तेज़ कर सकते हैं लेकिन तेज़ आंच में ये होगा कि मूंगफलियाँ जल्दी से जलना शुरू हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें मूंगफली को बहुत ही अच्छे से भूनना है, इसमें जो कच्चापन है वो पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। आप तो बहुत ही अच्छे से जानते ही हो कि मूंगफली किस तरह से भूनी जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो मूंगफली है इसके जो हल्के हल्के से छिलके हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे मूंगफलियाँ तैयार हो चुकी है। अभी ये भुनी नहीं है, अभी तो भुनना और बाकी है। तो देखिए यहाँ पे मूंगफलियाँ भुनना शुरू हो चुकी है। इसका जो रंग आप देखोगे मूंगफली के जो छिलके का, हल्का हल्का सा लाल सा होना शुरू हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से देखिए छिलका निकल रहा है, लेकिन जो मूंगफली है अभी भी अच्छी खासी सफ़ेद सी है और इसमें नमी अभी भी है और ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम सी है और इसमें कच्चापन भी अभी भी है। तो हमें इसे और भूनना है धीमी आंच पे। तो मैं यहाँ पे इसे भूनती जा रही हूँ 1-2 सेकेंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा आराम भी कर लेती हूँ, लेकिन हाँ इसे अनदेखा नहीं करना है, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर लोखंड की कढ़ाई ली है तो हमें ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है इस चीज़ का। तो देखिए यहाँ पे जो मूंगफली है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और आप मूंगफली के जो छिलके हैं वो तो निकल ही रहे हैं। तो मूंगफली के ऊपर आप थोड़ा सा देखोगे कि हल्का सा जला है, तो इसी तरीके से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मूंगफली हमारी तैयार हो चुकी है और इसका जो परत है बहुत ही आसानी से निकल रही है। तो जो समय लगा है मूंगफली को भूनने के लिए तो 25-30 मिनट का वक्त लगा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे धीमी आंच पे किया है, तेज़ आंच पे नहीं किया है और ना ही मध्यम आंच पर। तो ये जो गर्मा गर्म मूंगफली है वो हम निकाल लेंगे प्लेट के ऊपर और हम यहाँ पे इसे ठंडा होने रख देंगे। और जैसे ही मूंगफली ठंडी हो जाएगी हम इसके जो छिलके हैं निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली के जो छिलके हैं निकाल लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मूंगफली आप देख रहे हो आपस में चिपकी हुई है, मैंने हाथों की सहायता से ही इसका जो छिलका है निकाला है। अगर आप कपड़े में इसे रख के अच्छे से मसलोगे तो ये जो मूंगफली है 2 हिस्सों में हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे मूंगफली को 2 हिस्सों में कर लूँगी, देखिए इस तरह से। लेकिन मैं आपको सलाह ये दूंगी कि जब मूंगफली ठंडी हो जाए तो आप किसी दुपट्टे के अंदर इसे रख दीजिए और हाथों की सहायता से इसे मसलिए कपड़े को, ताकि इसका जो छिलका है वो भी निकल जाएगा और साथ ही साथ में जो मूंगफली है वो भी 2 हिस्सों में हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो मूंगफली है उसे 2 हिस्सों में कर लिया है। थोड़ा सा वक्त लगा है लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा है। अब मूंगफली की जो आवाज़ आप देख रहे हो इससे पता ही चल रहा है आपको कि कितनी ज़्यादा कुरकुरी सिकी है मूंगफली, और ये ठंडे होने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी हो जाती है, थोड़ी गर्म सी रहती है तो ऐसा लगता है कि शायद ये मुलायम सी है हल्की सी, लेकिन जब पूरी तरह से ठंडी हो जाती है तो एकदम क्रिस्पी सी हो जाती है। तो मूंगफली हमारी यहाँ पे तैयार तो हो चुकी है, हमने अच्छे से भून लिया है इसे। अब इसके अंदर हम डालते हैं कुछ मसाले। इस तरह की पैकेट्स हम लेकर आते हैं बाहर से, मार्केट से लेकर आते हैं, उससे तो अच्छा घर में आप बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे वही कढ़ाई ली है लोखंड की, इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून से भी कम मूंगफली का तेल। तो आँच को मैंने यहाँ पे धीमा और मध्यम रखा है और बस जैसे ही हल्का सा तेल यहाँ पे गर्म हो जाएगा, ये जो मूंगफली है हमने जो 2 हिस्सों में की है वो हम डाल देते हैं, और ये जो तेल और जो मूंगफली है उसे आपस में हम बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे। मैं यहाँ पे इसे तेल से अच्छे से मिला रही थी और साथ ही साथ में अब डाल देते हैं इसमें नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए, क्योंकि इस तरह के जो स्नैक्स होते हैं, फरसान होते हैं, उसमें नमक की मात्रा कुछ ज़्यादा ही होती है, तो मैं लेकिन फिर भी थोड़ा कम डालूंगी।
अब डाल देते हैं इसके अंदर हल्दी। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टाटा संपन्न की सेलम हल्दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट देती है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसकी। मैंने यहाँ पे बहुत ही हल्का सा करीबन 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। अब इसमें जो खास चीज़ डालने वाले हैं वो है काली मिर्च पाउडर। तो काली मिर्च पाउडर करीबन 1 टेबलस्पून डालूंगी, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं काली मिर्च पाउडर डालती जाऊंगी और अच्छे से हमें इसे मिलाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तेल डाला क्यों था। तो तेल मैंने इसलिए डाला था ताकि ये जो काली मिर्च पाउडर है और ये जो हल्दी है बढ़िया तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाए इस मूंगफली के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि काली मिर्च पाउडर है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काली मिर्च पाउडर पड़ जाती है वो भी पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी। तो मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मिला लूंगी और थोड़ा टेस्ट भी कर लेती हूँ कि नमक की मात्रा और ये जो काली मिर्च पाउडर जो हमने डाली है सही है कि नहीं है। काली मिर्च का जो पाउडर है उसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया आ रहा है, लेकिन नमक की मात्रा यहाँ पे थोड़ी सी कम लग रही है, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा और नमक डाल दूंगी और बस बढ़िया तरीके से इसे अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए कितने आसानी से ये मूंगफली का जो नमकीन है हमने बनाया है काली मिर्च पाउडर के साथ, तो कितना आसानी से हम घर में बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ये सब चीज़ें बाहर से ही लेकर आनी है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाल सकते हो या फिर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ हल्दी, नमक और जो काली मिर्च पाउडर है वो ही डाला है मैंने। तो ये बहुत ही आसान तरीके से फटाफट घर में बना के तैयार कर लिया है काली मिर्च पाउडर से मूंगफली नमकीन स्नैक। तो ठंडियों के मौसम में बहुत ही अच्छा टाइम पास है ये। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की बहुत ही फटाफट और आसानी से बनने वाली काली मिर्च की मूंगफली नमकीन स्नैक पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।